सब्सक्राइब कीजिए आरकेएस टेक यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को जिससे कि टेक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम कंपोजर में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, वो भी कोडिंग के बिना। तो सबसे पहले आप कंपोजर ओपन कर दीजिए। अभी आप डिफाइन फॉर्म में जाइए। डिफाइन फॉर्म में जाकर आप फॉर्म का नाम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर फॉर्म, और एक्शन यूआरएल में आएगा आर फॉर्म डॉट टीएमएल। अभी मेथड गेट और पोस्ट में से हम पोस्ट सिलेक्ट करें। अभी यहाँ पे हमें ये जो है वो एंटर करके यहाँ पे लंबा कर देना है, और यहाँ पे हेडिंग लिखने के लिए बॉडी टेक्स्ट में से यहाँ पे चूज़ करना है हेडिंग वन, और ये लाल कलर का बॉक्स आ जाएगा। अभी आपको जो है हेडिंग लिखना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हेडिंग में लिखेंगे। तो अभी आप इसका कलर, साइज और जो भी बोल्ड इटैलिक जो है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से टूल बार में से। ओके, साइज बड़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और कलर भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा नेम के लिए। तो यहाँ पे नेम के लिए हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हम नेम लिख लेंगे। अभी फॉर्म में से यहाँ पे फॉर्म फील्ड, और फॉर्म फील्ड में से यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे आप नेम लिख दीजिए नेम। ओके, फील्ड नेम है नेम, और इंटायर टेक्स्ट आप जो है वो लिख दीजिए एंटर योर नेम हियर। ओके, पहले से ही लिखा हुआ है एंटर योर नेम हियर। इसका साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं फील्ड साइज में 60 लिख करके, ये लंबा हो जाएगा। तो अभी आप नेम को भी यहाँ पे बोल्ड और साइज बढ़ा सकते हैं उसका। और अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं जेंडर के लिए। तो जेंडर के लिए आपको मेल और फीमेल दो ऑप्शन होंगे, तो इसके लिए आपको रेडियो बटन चाहिए होगा। ओके, तो फॉर्म में से आप फॉर्म फील्ड में जाइए और वहाँ से रेडियो बटन। अभी आपको ग्रुप नेम में जो है वो दोनों में सेम लिखना है, जेंडर और फील्ड वैल्यू में मेल। यहाँ पे आ गया रेडियो बटन, और यहाँ पे मेल लिख दीजिए। अभी आपको दूसरी बार ऐसा ही करना है, फॉर्म फील्ड में से फॉर्म और रेडियो बटन। अभी आपको जेंडर ग्रुप नेम जो है वो दोनों में सेम रखिएगा। ओके, फील्ड वैल्यू में यहाँ पे फीमेल। ओके, तो अभी आप फीमेल लिख दीजिए। ओके, और बोल्ड साइज जो आपको करना है वो कर दीजिए। तो अभी हम बनाएंगे हॉबी के लिए। हॉबी के लिए जो है आपकी एक से ज़्यादा हॉबी हो सकती है, तो इसके लिए आपको चेकबॉक्स चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हॉबी लिख देते हैं। अभी चेकबॉक्स के लिए आपको फिर से फॉर्म में से फॉर्म फील्ड में जाना है, और फॉर्म फील्ड में से चेकबॉक्स में जाना है। यहाँ पे सब कुछ जो है वो लाइन में कर दीजिए, और बोल्ड और आपका साइज जो है वो बड़ा कर दीजिए। तो फॉर्म फील्ड और यहाँ से चेकबॉक्स। अभी फील्ड नेम आप लिख दीजिए यहाँ पे सिंग, और सिंग ओके, सिंगिंग आपकी हॉबी है कि नहीं और यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे सिंगिंग। दूसरी बार ऐसा ही कीजिए, यहाँ पे इस बार लिखिए डांस, और डांस ओके, डांसिंग आपकी हॉबी है या नहीं वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। अभी जो है आप तीसरी बार करिए। ओके, आप जितने भी चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे चेकबॉक्स में लिखिए रीड और रीड। ओके, रीडिंग। तो ये यहाँ पे हॉबी के लिए हो गया। आप बोर्ड साइज जो आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। तो अभी हम एड्रेस के लिए बनाते हैं। एड्रेस के लिए आपको कई सारे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, उसके लिए टेक्स्ट एरिया यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एड्रेस आप लिख दीजिए। अभी टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एरिया के लिए आपको फॉर्म में से टेक्स्ट एरिया यहाँ पे चूज़ करना है, फॉर्म में से टेक्स्ट एरिया। अभी यहाँ पे फील्ड नेम आप एड्रेस लिख दीजिए, और साइज जो है वो आप रो और कॉलम की 5 और 60 रखिए। ओके, ये अच्छा रहेगा। और इंटायर टेक्स्ट पुट योर एड्रेस हियर। ओके, आप जो भी चाहे वो लग सकते हैं, ऐसा आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है,
अभी हम बनाने वाले हैं सिटी के लिए। सिटी के लिए आपको एक सिलेक्शन बॉक्स बनाना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सिटी लिख देते हैं, और अभी आपको सिलेक्शन बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म में से सिलेक्शन लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेंगे, यहाँ पे लिस्ट में आप सिटी नेम लिख दीजिए, ऐड ग्रुप कर दीजिए, अभी ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन करके आपकी सिटी जो है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मुंबई, फिर यहाँ पे अहमदाबाद, ओके ऐड ऑप्शन, फिर यहाँ पे चेन्नई, ऐड ऑप्शन, फिर पुणे, ऐड ऑप्शन, फिर जयपुर, ऐड ऑप्शन। ओके, आपकी जितनी भी सिटी आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स जो है वो आ चुका है, ये फॉर्म जो है वो ख़त्म हो चुका है, अभी रिसेट और सबमिट बटन बाकी है। तो इसके लिए आप फॉर्म फील्ड में से ही सबमिट और रिसेट बटन आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे सबमिट बटन चूज़ कीजिए, सबमिट सबमिट लिखिए, और रिसेट के लिए भी ऐसा ही, फॉर्म में से फॉर्म फील्ड और रिसेट बटन चूज़ कीजिए, रिसेट रिसेट लिख दीजिए, और आपका रिसेट बटन भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये जो है वो पूरा फॉर्म बन चुका है आपके यहाँ पे विदाउट कोडिंग। ओके, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल चुका है। अभी आप इसे सेव करेंगे तो आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये आपको टाइटल पूछ रहा है। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दीजिए टाइटल। ओके, तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है डेस्कटॉप पर। ओके, ये सेव, तो अभी फाइल सेव हुई है। मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उसे ओपन कर रहा हूँ, आप क्रोम में भी कर सकते हैं। तो ये ओपन हो चुकी है। ओके, अभी यहाँ पे जो है वो नेम, जेंडर, हॉबी सब कुछ आ रहा है। नेम आप अपना लिख दीजिए जो भी है। ओके, अभी जेंडर के लिए आपको मेल और फीमेल, ओके एक ही यहाँ पे चूज़ हो रहा है। हॉबी आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे चूज हो रही है। एड्रेस में भी आप जो भी लिखना चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सिटी में यहाँ पे मुंबई, जयपुर, पुणे ऐसे भी आ रहे हैं, और रिसेट बटन जो है वो वर्क कर रहा है, रिसेट हो चुका है। और फिर आप कोई भी लिख दीजिए, और सबमिट भी है वो हो रहा है। ओके, यहाँ पे सबमिट, तो ये जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो बन चुका है। मेरी दूसरी वीडियो को भी देखें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल आर्केस्टेक को। थैंक यू।